नमस्कार दोस्तों, इजी लॉ में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट के उस अहम फैसले के बारे में जो ऑनरेबल कोर्ट ने चेक बाउंस के केस में अभी रिसेंटली दिया है। दोस्तों, इस केस का टाइटल था TRL Kurosaki Refractories Limited वर्सेस SMS इंडिया, और इसकी साइटेशन मैं आपको बता देता हूँ, 2022 वॉल्यूम 1 TVT द वर्डिक्ट टुडे 178 सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, इस केस का टाइटल और इसकी जो साइटेशन है वो बताने का पर्पज़ ये है कि अगर इस केस के फैक्ट्स आपके केस से मैच हो जाते हैं तो आप इस केस को ढूंढ के या इसकी साइटेशन से इसको निकाल के आप इसको अपने केस में दे सकते हैं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो ऑल ओवर इंडिया जितने भी कोर्ट हैं उन सब में वो लागू होता है। दोस्तों, ये केस जो है एक कंपनी ने दूसरी जो रिस्पोंडेंट था उनके खिलाफ किया, और इस केस में जो बात थी वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने की बात तब हुई जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 482 में क्वेशिंग की पावर एक्सरसाइज करते हुए कंप्लेंट की समनिंग ऑर्डर को खारिज कर दिया, मुकदमे को खारिज कर दिया। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ हम थोड़े से फैक्ट आपको बता देते हैं। इसमें जो कंप्लेनेंट कंपनी थी उन्होंने चेक बाउंस का केस फाइल किया इस ग्राउंड पे कि भाई जो रिस्पोंडेंट एक्यूज्ड कंपनी है, एक्यूज्ड कंपनी ने 1,10,00,000 रुपए के चेक जो है वो कंप्लेनेंट कंपनी को दिए, और चेक लगाने के बाद अकाउंट क्लोज की रिपोर्ट आई। अब बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि अगर किसी का अकाउंट क्लोज होता है तो क्या तब भी 138 का चेक बाउंस का मुकदमा बन सकता है। तो दोस्तों, हाँ, अगर अकाउंट क्लोज कर दे, मान लीजिए कि किसी ने आपको चेक दे दिया और उस चेक का जो अकाउंट है वो पहले से ही बंद है, तो तब भी आप 138 का मुकदमा कोर्ट में डाल सकते हो। तो ऐसे में 138 का मुकदमा डल गया, और कोर्ट ने जो प्रॉपर प्रिलिमिनरी एविडेंस होती है उसके बाद समनिंग का ऑर्डर कर दिया, एक्यूज्ड को समन कर लिया। तो आने के बाद एक्यूज्ड के समन इशू होने के बाद एक्यूज्ड हाई कोर्ट चले गए 482 में जो समनिंग ऑर्डर है उसको क्वेश कराने, कंप्लेंट को ख़त्म करवाने, और हाई कोर्ट ने ऐसा कर भी दिया। हाई कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी मुकदमे को ख़त्म करते हुए कि भाई जो कंप्लेनेंट कंपनी है और उसका जो मुकदमा है वो मुकदमा डालने वाले जो जनरल मैनेजर थे उनको जो नॉलेज थी ट्रांजैक्शन की वो नहीं थी, और इस और ऐसा कंप्लेंट में लिखा भी नहीं है, तो इस ग्राउंड पे जो कंप्लेंट थी उसको ख़त्म कर दिया गया। तो उस ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो कंपनी प्रेजेंट अपीलेंट है, कह लीजिए कंप्लेंट है, वो आ गए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हाई कोर्ट ने ये चीज़ एनालाइज नहीं करी कि कंप्लेनेंट ने जो डॉक्यूमेंट साथ में लगाए हैं, जो लीगल नोटिस भेजे थे उन पर भी जनरल मैनेजर के साइन है, जो एग्रीमेंट कंपनीज के बीच में हुआ था उसके ऊपर बतौर विटनेस भी उसके साइन है, तो उसको जो ट्रांजेक्शन है उनकी नॉलेज कंप्लीट है। और ऐसे में क्या होगा कि जब किसी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को ट्रांजेक्शन की कंप्लीट नॉलेज होती है तो वो इंसान कंपनी के बिहाफ पे मुकदमा डाल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली कौन से पॉइंट रहे, पहला अकाउंट क्लोज्ड है तो 138 जो है वो मेड आउट हो जाती है, 138 का कंप्लेंट आप फाइल कोर्ट में कर सकते हो चेक बाउंस की। दूसरा पॉइंट यहाँ समझने को हमें क्या काम का मिला कि भाई पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को अगर ट्रांजेक्शंस की नॉलेज है तो वो कंप्लेंट कोर्ट में फाइल कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है। और तीसरा पॉइंट क्या कि भाई अगर एक कंपनी आपके ऊपर केस करती है या आप कंपनी के ऊपर केस करते हैं तो उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो जो इंसान जो मुकदमे को चला रहा है, जो कंप्लेंट फाइल कर रहा है, क्या वो ड्यूली अथोराइज्ड है, क्या उसको ट्रांजैक्शंस की नॉलेज है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।